अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प। देखिए, थोड़े थोड़े काम होते हैं लेकिन अपनी मदद आप किस तरह से हम कर सकते हैं। ये देखिए, मेरी मोटरसाइकिल को मैंने साइड स्टैंड लगाया और ये बहुत ज़्यादा मैं महसूस कर रहा हूँ कि निस्बतन बहुत ज़्यादा झुकाव में है। मीन्स कि अगर बच्चा थोड़ा छोटा मोट कोई बच्चा इसके साथ लटकने की कोशिश करता है ऊपर बैठने की सीट पर चढ़कर, तो ये शायद इसी तरफ को गिर जाएगी। तो इसको थोड़ा सा हमने स्ट्रेट करना है, तो उसमें मुझे एक नुक्स नज़र आया इसका, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टैंड में बहुत ज़्यादा प्ले है साइड स्टैंड में। ये देखिए, मैंने इसे मेन स्टैंड पर खड़ा किया हुआ है और ये देखें इस पर कितना ज़्यादा प्ले है। ये देखें कितना नीचे ऊपर हो रहा है, जिसकी वजह से ये बजाय इसके ये अगर जितना नीचे चला, ये देखें कितना ज़्यादा प्ले है। ये देखें आप, ये नीचे ऊपर कितना ज़्यादा नीचे ऊपर हो रहा है। ठीक है, ये देखें, यहाँ से मैं करीब से आपको दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखें आप, ये देखें, और ये देखें यहाँ पर कितनी ज़्यादा प्ले है इस जगह पे। तो हम इस करेंगे कोशिश ये करेंगे कि इसके ये यहाँ से ये नट है, नीचे इसके बोल्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसको खोल के हम स्टैंड को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, ये निकाल के स्प्रिंग वगैरह उतार के, और फिर इसके अंदर कोई वॉशर्स रखते हैं ताकि ये जो गैप है, ये देखें कितना गैप है इसके अंदर, ये देखें, देख रहे कितना गैप है, ये देखें। तो ये गैप थोड़ा बहुत कम होगा तो उसकी वजह से ये स्टैंड की कंडीशन जो है, ये पोजीशन जो है, ये ज़्यादा स्ट्रेट रहेगी और हमारी मोटरसाइकिल जो है वो सीधी खड़ी हो पाए। चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। ये देखें जी कितना ज़्यादा गैप है। हाँ जी, ये देखें, ये छोटे स्टैंड का बोल्ट जो है, ये देखें यहाँ से कितनी कटाई हो गई है, ये देखें कितना घिसा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से गोलाई इसकी ठीक है, ये देखें कितना ऐसा घिसा हुआ है यहाँ से। तो मेरा दिल है इसको मैं वेल्डिंग के दो दिन लगा कर अपना टांके यहाँ से ज़रा फिल करके और फिर उसे ग्राइंडर पर ग्राइंड करके ले आता हूँ। इसको भी यहाँ से भी इसको प्ले बहुत ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है, वाशर तो रखेंगे लेकिन ये भी थोड़ा सा इसको भी रिपेयर कर लें। ये देखिए कितनी कटाई है, ये देखिए कितना कटा हुआ है यहाँ से, ये वाला हिस्सा। चलें मैं इसको वेल्डिंग करके ले आता हूँ। ये देखें जी, मैंने इसे वेल्डिंग करके जहाँ से कटाई थी ये साइड तो इसकी ठीक थी, और यहाँ से ये मैंने वेल्डिंग करके इसकी भराई करके इसको तो ग्राइंडर से मैंने ग्राइंड कर दिया है, ठीक हो गया। अब ये जो इसमें प्ले आनी थी, यहाँ से कट था, कट सा था यहाँ पे, वो ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। चलें अब इसे फिट करते हैं, वाशर की सपोर्ट ज़रूर लेंगे, वाशर की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें।
ये देखिए जी, अब आप इसमें ये देखें, इस तरह की प्ले तकरीबन ना होने के बराबर है। पहले कितनी ज़्यादा प्ले थी, ठीक है, ये देखें, ये देखें, और अब देखें कितनी कम प्ले है। इसकी वजह से अब ये होगा कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और मोटरसाइकिल ज़्यादा कल्टी नहीं होगा, अब ये अपनी जगह पर सीधा खड़ा रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।